हेलो एवरीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि 25 जुलाई को इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। आज की वीडियो में हम ये ही जानने वाले हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसी के प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत के प्रेसिडेंट कौन कौन सी पोजीशंस होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के हेड होते हैं, वो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं और कंट्री के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता है, एक इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू। इलेक्टोरल कोलाज में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, और सभी स्टेट्स की विधानसभाओं के सदस्य प्लस यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी के सदस्य भी इसमें वोट करते हैं। पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स और विधान परिषदों के मेंबर्स प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एमपी और एमएलएज दोनों के वोट्स का वैल्यू डिफरेंट होता है। दो डिफरेंट स्टेट्स के एमएलएज के वोट की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, लेकिन सारे एमपीज के वोट्स की वैल्यू सेम रहती है। एमएलए के वोट का की वैल्यू के लिए उस स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब समझेंगे कि कैसे एमएलएज के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और कैसे एमपीज के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। एमएलएज और एमपीज के वोट की वैल्यू निकालने के लिए, जानने के लिए दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, एक तो है यूनिफॉर्मिटी और एक है पैरिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वेलिटी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एमएलए के वोट की वैल्यू उस राज्य की पॉपुलेशन के अनुपात में होनी चाहिए। ये इसलिए किया गया है ताकि सभी स्टेट्स के एमपीज के वोट्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल रहे। इसको जानने के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो ये है कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है उस स्टेट के टोटल नंबर ऑफ एमएलए से, उसके बाद जो नंबर आता है उसको 1000 से डिवाइड किया जाता है और उस स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू निकल आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है पैरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टेट और सेंटर के बीच पैरिटी बनाए रखने के लिए ये निश्चित किया गया है कि एमपीज के वोट की वैल्यू सभी एमएलएज के वोट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। एमपीज के वोट की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये है कि जितनी भी टोटल वैल्यू आती है एमएलएज के वोट्स की, सारे स्टेट्स की, उसको रखा जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है जितने भी एमपीज होते हैं, मतलब जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उससे उसको डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से एमएलएज और एमपीज के वोट्स की वैल्यू निकाली जाती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि 2017 में टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, सारे स्टेट्स के एमएलएज के वोट्स की वैल्यू जो थी 5,49,495 थी, और टोटल नंबर ऑफ एमपीज कितने थे, 543 लोकसभा में थे और 233 राज्यसभा में थे, मतलब टोटल नंबर थे 776। अब एमपीज के वोट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया, जो वैल्यू थी एमएलएज की उसको डिवाइड किया गया टोटल नंबर ऑफ एमपी से, मतलब 5,49,495 को डिवाइड किया गया 776 से, तो कितना नंबर आया 708। अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमपीज निकालने के लिए 776 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया 708 से, तो इस तरीके से जो टोटल वैल्यू आई एमपीज के वोट्स की वो थी 5,49,408। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में।
इस समय टोटल वैल्यू एमएलएज के वोट की थी 5,43,231 और एमपीज के वोट्स की वैल्यू 5,43,200 थी। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई दोनों एमपीज और एमएलएज के वोट्स की मिला के 10,86,431। तो इस तरीके से दोनों की वोट्स की वैल्यू निकाली जाती है। एमपीज को ग्रीन कलर का बैलेट पेपर मिलता है और एमएलएज को पिंक कलर का बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर पर सारे मेंबर्स के सीक्वेंस में नाम होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं प्रेसिडेंट पद के लिए उनके नाम सीक्वेंस में दिए जाते हैं और मेंबर्स वो वोट करते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे फर्स्ट नंबर वाला पसंद है, उसको अगर उनको सेकंड नंबर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है तो उसको सेकंड वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस एक नंबर दे देंगे। इस तरीके से वो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग करते हैं। वोटर्स को पेन भी दिया जाता है जिसको यूज करके ही उन्हें अपना बैलेट पेपर फिल करना होता है। अगर वो कोई और पेन यूज करते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं किया जाता है। जीतने के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम फिक्स कोटा प्राप्त करना होता है। विनिंग कोटा कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ सीट से और उसमें एक को जोड़ दिया जाता है। एक वोटर एक ही वोट डाल सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर किसी केस में किसी को क्लियर कट वोट नहीं मिलता है या किसी को सीधा सीधा विनिंग कोटा कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाता है, तब उस केस में क्या होता है? अगर पहले वाले कैंडिडेट को जो सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पर है उसको विनिंग कोटा नहीं मिलता है, तो उस केस में ऐसा होता है कि सपोज चार आपके कैंडिडेट्स हैं तो लास्ट वाला जो कैंडिडेट होता है उसको हटा दिया जाता है, लेकिन उसके वोट्स खत्म नहीं होते, उसके वोट्स सेकंड प्रायोरिटी वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि कोई भी कैंडिडेट को विनिंग कोटा प्राप्त नहीं हो पाए। ये प्रोसेस हमारे कंट्री में अभी तक एक ही बार फॉलो किया गया है 1969 में, जो हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट थे डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद उनके इलेक्शन के टाइम पर। 2022 में द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी हैं, वो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रतिभा पाटिल थी और हमारे कंट्री की 15th प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये इलेक्शन ऑपोजिशन के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को हराकर जीता है, तो वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। तो ये था एक प्रोसेस इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।